वेलकम क्लास 10th। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेशन का नेक्स्ट वाले टाइप की वीडियो है। इससे प्रीवियस वीडियोस में भी हमने इक्वेशन फॉर्मुलेशन के कुछ क्वेश्चन देखे। इस वाले में हम जो प्रॉब्लम है वो बेस्ड ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाला टॉपिक कवर कर रहे हैं। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले कॉन्सेप्ट में ध्यान देना होता है कि हमारे पास क्वेश्चन में दो चीजों की स्पीड जनरली मेंशन करता है। सॉरी, इसमें बोट की स्पीड तो दे रखी है, इसमें करंट की स्पीड पूछी। हमें ध्यान रखना है कि जो बोट की स्पीड होगी, लेट करूं अगर मैं x किलोमीटर पर आ रहा है किसी भी क्वेश्चन के लिए, और अगर मैं स्ट्रीम की स्पीड को, स्ट्रीम भी बोल सकते हैं करंट भी बोल सकते हैं, इसकी स्पीड को मेंशन कर रहा हूं कि ये जो इसकी स्पीड है बोट की फर्स्ट वाले केस में x है, और करंट और स्ट्रीम की जो है वो y किलोमीटर पर आ रहा है। तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना होता है, एक तो डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है और एक अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, डाउनस्ट्रीम मतलब जो पानी का बहाव अगर नीचे की तरफ है, स्ट्रीम की जो फ्लो है वो डाउनवर्ड है तो वो डाउनस्ट्रीम कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, इसको बोल सकते हैं अलोंग द फ्लो ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम के फ्लो के साथ, तो इस वाले में जो बोट की स्पीड होगी प्लस फ्लो स्ट्रीम की स्पीड होगी, दोनों ही स्पीड एक तरीके से ऐड हो जाएंगी, तो रिजल्टेंट जो आपकी स्पीड है x प्लस y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। सेम अपस्ट्रीम में जो होता है, अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि अगर हमारा पानी का बहाव अपवर्ड डायरेक्शन में है और बोट जो है वो पानी का फ्लो जो है अपवर्ड है और बोट भी जो है वो अपवर्ड ही जा रही है, मतलब एक तरीके से सेम डायरेक्शन हो गया बट इन अपवर्ड डायरेक्शन, और इसमें है डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड, अगर हम डाउनवर्ड फ्लो में जाते हैं तो वो जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है, लेकिन अपस्ट्रीम में वो स्पीड सबट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, ये वाली जो स्पीड होती है ये अपोजिट टू द फ्लो ऑफ स्ट्रीम होता है। फ्लो ऑफ स्ट्रीम मतलब अगर बोट x की स्पीड से जा रही है तो स्ट्रीम की स्पीड उसमें से डिडक्ट हो जाएगी एज द रिलेटिव स्पीड, तो यहां पे x माइनस y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यही वाला कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है कि हमेशा बोट में से सब्ट्रैक्ट होगा स्ट्रीम, क्योंकि बोट जो है वो हमेशा ज्यादा स्पीड अटेन करेगी, तभी तो बोट जो है वो उसमें फ्लो कर पाएगी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारा ये वाला क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 15 है। इसे प्रीवियस चैप्टर जो चैप्टर 3 है उसके अकॉर्डिंग भी ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें टू वेरिएबल बेस भी बन सकता है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये वन वेरिएबल के बेस में दे रखा है। ए बोट हूज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहां पे बोट की स्पीड आपको मेंशन कर रखी है कि स्पीड ऑफ द बोट इज, स्पीड ऑफ बोट जो है वो यहां पे गिवन है आपको 18 किलोमीटर पर आवर इन द स्टिल वॉटर। It takes 1 hour more. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो ये टाइम वाला ही है कि उसको एक घंटा ज्यादा लगता है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम द सेम डिस्टेंस। फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। अब ध्यान दो, इस वाले केस में कहीं भी मतलब जो है स्ट्रीम की स्पीड नहीं दे रखी हो, तो वही पूछी हुई है। इसको करंट भी बोल सकते हैं, इसको स्ट्रीम भी बोल सकते हैं, तो हम कहेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट दिस बी y कह लो, या फिर आप इस क्वेश्चन में तो x वेरिएबल के अकॉर्डिंग कह लो, सिंगल वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला कंसेप्ट है, बट ध्यान देने वाली बात है कि डिस्टेंस टाइम के कॉन्सेप्ट पे ही होगा। हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस बाय स्पीड है दिस इज इक्वल टू टाइम, तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन भी होना है। अब इसमें हमें डिस्टेंस जो है वो 24 किलोमीटर दे रखा है और अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लग रहा है उसको एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अपस्ट्रीम में क्योंकि स्पीड कम है एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम, तो अगर इसमें स्पीड कम है और डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज्यादा है तो जो टाइम होंगे इसके इनवर्स होंगे। हम कह सकते हैं अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम। तो इसी चीज को देखो, यहां पे सबसे पहले अगर मैं टाइम लू तो एक घंटे का डिफरेंस दे रखा है टाइम में अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम का, तो अपस्ट्रीम का जो टाइम होगा उसमें से अगर मैं डाउनस्ट्रीम के टाइम को घटाता हूं, डाउनस्ट्रीम टाइम को घटाता हूं, तो उन दोनों का डिफरेंस ही 1 hour हमें दे रखा है। ये भी टाइम होना चाहिए, ये भी टाइम होना चाहिए, टाइम में से टाइम सबट्रैक्ट करें तो 1 hour हमें दे रखा है।
तो इस वाले टाइम को निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड का। तो इस वाले अपस्ट्रीम में 24 किलोमीटर बाय, देखो ध्यान से, जो अपस्ट्रीम वाली स्पीड बनेगी, अपस्ट्रीम वाले को हम इस वाले क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली कह सकते हैं 18 माइनस एक्स, और डाउनस्ट्रीम वाले को हम कह सकते हैं 18 प्लस एक्स। ये हो जाएगा आपका 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो तो ऊपर वाला कंसेप्ट है पूरा। तो 24 बाय 18 माइनस एक्स माइनस 24 बाय, क्योंकि सेम रिटर्न करना है उसको, तो सेम डिस्टेंस ही होगा, ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स, और दोनों का जो टाइम गैप है वही आपका वन आर के इक्वल है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड में हम इसको बाय वन कह सकते हैं। तो 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, और यहां पे इंटू वन हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट उसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू में 18 माइनस एक्स इक्वल टू वन के साथ ये दोनों ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। अब ध्यान देना है इस बात का कि अगर मैं पूरे का एलसीएम कंसिडर करता हूं तो डिनोमिनेटर जो है इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। 24 इंटू 18 इस वाले को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 18 फोर जा 72 7 18 टू जा 36 और 7 43, तो आपका 432 प्लस 24x माइनस 432 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 24x, और यहां पे a माइनस बी ए प्लस बी लगा देते हैं तो 324 माइनस का x स्क्वायर। यहां से 432 से 432 कैंसिल आउट हो गया, 48 हो जाएगा, ये 48 बाकी को इधर ले आते हैं 48x, सॉरी इसको इधर लेके आते हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको भी इधर लेके आते हैं तो माइनस का 23324 इक्वल टू जीरो। ये आपकी क्वालिटी इक्वेशन हो जाएगी जिसको हम बाद में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे 1 इंटू 324 के फैक्टर बना सकते हो आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करना चाहो तो, या फिर इसके बाद जो है आप इसके मिडल टर्म स्प्लिटिंग के बाद अलावा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4एसी वाला बताया गया था। इस वाले के बाद हम कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में हम देख रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पाइप एंड टैंक फिलिंग, या फिर हम इसको वर्क एंड टाइम से भी रिलेट कर सकते हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे के जैसे ही होते हैं। इसमें हमने क्वेश्चन लिया है 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 जो इस पे बेस्ड है, और एक ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में इस बेस पर। तो इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है टू वाटर टैंक्स कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 आवर्स टुगेदर, अगर दोनों साथ में मिलकर टैप फिल करती हैं तो एक टैंक को वो 9 3/8 आवर्स में फिल करती है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस, यहां पे भी हमें टाइम मेंशन कर रखा है कि जो बड़े वाले डायमीटर की टैप है उसको 10 घंटे कम लगते हैं। भाई अगर कोई टैंक जो है जिसका डायमीटर वाइड है तो उसको जो है कम टाइम लगेगा एज टू फिल सेपरेटली टैंक। द टाइम टेकन बाय फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच टैप सेपरेटली टू फिल द टैंक, हमें यहां पर टाइम टेकन निकालना है। तो एक कंडीशन बोला गया है कि जो लार्जर टैप है हम उसमें टाइम मान लेते हैं, लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, तो इसमें बोला गया है कि वो 10 घंटे कम लेगी, तो हम मान लेते हैं जो स्मॉलर टैप लेगी, पहले ऊपर लिख देता हूं स्मॉलर, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, उसमें मैं मान लेता हूं एक्स आवर्स होंगे, तो लेट द टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप, जो लार्जर टैप होगी उसको 10 आवर्स लेसर लगेंगे तो x माइनस 10 आवर्स ये हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहां पे हमें बोल रखा है एक कंडीशन इसके अलावा बस यही गिवन है कि दोनों टैप अगर साथ में मिलकर फिल करें तो 9 3/8 आवर्स में फिल करती हैं उसी टैंक को। तो इसमें हमें ना तो टैंक की कैपेसिटी पता और कुछ भी नहीं पता, बट हमें बस ये दे रखा है दोनों मिलके जो है 9 3/8 आवर्स में फिल करती हैं। इसमें ध्यान रखना है जिस तरीके से हमने एक फॉर्मूला किया था कि वर्क डन बाय टाइम टेकन जो होता है ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी हम पावर भी कह सकते हैं क्योंकि ये साइंस में हम पढ़ते हैं, वर्क डन बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू पावर, और पावर का मतलब एबिलिटी टू वर्क भी होता है। तो सेम इसमें जो वर्क डन है वो टैंक फिलिंग का ही है कि हमें एक टैंक फिल करना है, वो कितना टाइम लेगा ये डिपेंड कर रहा है उसकी एफिशिएंसी पे, तो हमें यहां पे एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी
कि भाई पहला टैंक किस कार्य क्षमता से करता है काम को और दूसरे वाला टैप कितने से करता है, दोनों को ही हम ऐड करेंगे तब ये जो टोटल टाइम लगेगा। तो अगर मैं टाइम का यहां से फॉर्मूला निकालूं तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन बाय एफिशिएंसी, अदरवाइज एफिशिएंसी का अगर फॉर्मूला निकालना है तो वो हो जाएगा वर्क डन बाय टाइम। इसलिए मैंने बोला कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वर्क एंड टाइम पे ही बेस्ड है, क्योंकि यहां पे भी तो टैंक फिलिंग का काम हो रहा है। ठीक है, तो जब भी हमें वर्क डन नहीं मान दे रखा, हम इसको मान लेते हैं लेट वर्क डन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वन होगा। इस वाले में वन इसलिए मानते हैं जैसे प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट की वन होती है 100%, तो ये वन हमने मान लिया कि एक टैंक फिल करना है तो ये काम हमारे पास वन है, इसको हम 100% भी बोल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दोनों टैंक साथ में मिलकर के फिल करें, तो हमें यहां पे देखना पड़ेगा कि फर्स्ट वाले की एफिशिएंसी कितनी है, फर्स्ट ने कितना फिल किया, सेकंड ने कितना फिल किया और दोनों ने मिलाकर के कितना फिल किया। वही हमारा यहां पे जो है हम इसको एफिशिएंसी से रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला फैक्टर जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हो जाएगा। तो वन टैंक फिल हुआ है उसको एक्स की स्पीड से करता है या एक्स टाइम में करता है स्मॉलर वाला टैंक, और वन टैंक जो वर्क डन हुआ है उसको लार्जर वाला करता है एक्स माइनस 10 आवर्स में, और दोनों मिलाकर के मतलब दोनों का एडिशन, यहां पे भी एफिशिएंसी यहां पे भी एफिशिएंसी, तो दोनों का सम भी एफिशिएंसी है। तो राइट हैंड साइड में भी टाइम दे रखा हमें, तो 1/9 3/8 आवर्स ये वाला भी टाइम हो जाएगा। तो इसमें हमने एफिशिएंसी को एफिशिएंसी के इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, यही हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है, और इसी इसको हम वर्क एंड टाइम के फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे एलसीएम लूं तो सबसे पहले इस वाले को देखो, जस्ट ये वाला पार्ट अगर मैं कहता हूं तो ये हो जाएगा 75/8, तो 1/75/8, तो इसको मैं रेसिप्रोकल करके हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको एक स्टेप में बढ़ा लेते हैं, तो 1/x + 1/x - 10 और ये हो जाएगा 1/75/8, सॉरी 75/8, तो ये जो 8 है वो जो है ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम 8/75 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये वाला जो हो जाएगा एलसीएम कंसीडर करके x - 10 और 75, हम x को अगर कंसीडर करते हैं तो बाकी सारा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 75 x - 750। और अगर x माइनस 10 को यहां कंसीडर करो तो 75x यहां पे प्लस हो जाएगा 75x, और 75 को जस्ट यहां पे कंसीडर करता हूं तो 8 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x × x - करते हैं ये पूरा डिनोमिनेटर आउट हो जाएगा 75x 150x - 750, ये हो जाएगा 8x² - 80x। बाकी सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं क्योंकि मेन x स्क्वायर हमारा वही है, 8x² - 80 और -230 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा +750 = 0। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज पर दिस क्वेश्चन। इस वाले में हम इसको जो है फर्दर 2 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं पहले तो, और फिर इसके बाद हम इसमें फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने ये दो एग्जाम्पल लिए हैं जो कि 4.3 एक्सरसाइज में ही 7th और 11th क्वेश्चन है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है ये, एक तरीके से मिसलेनियस कह सकते हो तुम अदर टाइम्स हैं। इस वाले में देखो बोला गया है इफ द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, दो नंबर्स हैं अलग अलग, पता नहीं कंसेक्यूटिव हैं या नहीं है, किसी भी तरीके से हम नहीं जानते उनको, तो उनके जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो 180 है और द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर है, नंबर सिस्टम पे ही बेस्ड बट नंबर यहां पे यूनिक है, हमें नहीं पता क्या है, तो हम इनको अलग अलग एड कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई, हम इसको कह सकते हैं ऐसा अलग अलग, क्योंकि हमें कोई भी पता नहीं है कि भाई जो नंबर्स में रिलेशन क्या है दोनों में, कि वो से 10 ग्रेटर है या फिर 2 टाइम्स है 3 ग्रेटर है, वी डोंट नो, तो इसलिए हमने इसको अलग अलग वेरिएबल में मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो चीजें बोली गई, सबसे पहली तो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, वी कैन से दैट x² - y² = 180, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। अब x² - y² = 180 है, हम ये भी तो कर सकते हैं y² - x², तो इसके लिए हमें यहां पे कोई और एक और चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि जो दूसरे वाली कंडीशन उसमें बोला गया है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, तो कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो फिलहाल के लिए हम मान के चलते हैं जो ये फर्स्ट वाला मैंने लेट किया है ये लार्जर है और ये वाला स्मॉलर है,
तो हमेशा लार्जर के स्क्वायर में से स्मॉलर का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। और जो दूसरी इक्वेशन जो इसमें बोली गई है वो बोली गई है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर का जो स्क्वायर होगा मतलब वाई स्क्वायर जो होगा वो होगा 8 टाइम्स द लार्जर नंबर एक्स इंटू 8, ये वाली इक्वेशन बनेगी। इससे प्रीवियस चैप्टर में भी हमने देखा है कि भाई जो टू वेरिएबल वाली इक्वेशन होती है उनको हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, तो y square equal to 8x इसमें हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन बनेगी ऑन सब्स्टिट्यूटिंग तो ये वाली जो वैल्यू बनेगी x square minus 8x और इसको भी इधर ले आता हूं मैं 180 equal to 0, तो ये वाली इक्वेशन हमारी हो जाएगी, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन भी है ये। अब देखो इस वाले में हम फैक्टर बना सकते हैं, तो हमें 180 के फैक्टर चाहिए। मैं 8 को लिख सकता हूं x square minus x को अलग कर दो, 8 को लिख देता हूं 18 minus 10 माइनस का 180 इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू जीरो। ग्रुपिंग अप्लाई करते हैं तो ये x कॉमन x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन x माइनस 18 इक्वल टू जीरो, तो x माइनस 18 x प्लस 10 दिस इज इक्वल टू जीरो। इंडिविजुअली इक्वल करते हैं तो x माइनस 18 इक्वल टू जीरो, x प्लस 10 इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू माइनस 10 और x की वैल्यू प्लस 18। अब इसके बाद ध्यान दो कि हमें यहां पे नंबर नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव चाहिए, तो हमें बस नंबर बोला गया है। तो एक चीज का ध्यान दो कि भाई किसी भी स्क्वायर का नंबर मैंने अगर यहां पे पुट किया, तो अगर मैं माइनस 80 कहता हूं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव 80 कभी पॉसिबल नहीं है, किसी का स्क्वायर नॉट कांट बी नेगेटिव। तो इसकी वजह से वाई स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस 80 बनेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है इसी वजह से मैं इस वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दूंगा और ये वाला वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 18 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, इसको हम यहां पे दोबारा से पुट करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 8 इनटू में 18, तो 18 इज 144 इक्वल टू y स्क्वायर, तो y की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 12 दोनों पॉसिबल है बट x की वैल्यू आपकी जो है 18 पॉसिबल है, ये आपका आंसर हो जाएगा इस केस में। ये रेलेवेंस ध्यान रखना है हमेशा। अब इसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ये 11th क्वेश्चन है 4.3 एक्सरसाइज का। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468, दो स्क्वायर है हमारे पास उन स्क्वायर का जो एरिया का सम है वो हमारा 468 है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24, अगेन दो कंडीशन यहां पे, तो दो वेरिएबल से हम कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को इजिली, फाइंड द साइड्स ऑफ बोथ स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं ये आपका स्क्वायर 1 है, इसको मैं एस 1 कह देता हूं, और ये हमारा स्क्वायर 2 है, थोड़ा बड़ा कह देते हैं इसको एस 2। तो स्क्वायर वन स्क्वायर टू लेट कर लेते हैं, इसकी जो साइड होगी वो एक्स मीटर होगी, एक्स मीटर, और जो इसकी साइड होगी वो आपकी हो जाएगी वाई मीटर। ठीक है, इसकी साइड एक्स, इसकी वाई, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया साइड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा, इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब पैरामीटर भी देख लो जरा, इसका पैरामीटर क्या होगा, फोर इंटू साइड होता है तो फोर एक्स हो गया, यहां पे पैरामीटर क्या हो जाएगा, ये भी 4 इंटू में साइड मतलब 4 इंटू वाई हो जाएगा। ये तीनों ही चीजें हमें पता लग गई, हमने अजम्पशन एक ही की, जस्ट साइड की दोनों ही केसेस में, उसके बेसिस पे एरिया एंड पैरामीटर का रिलेशन निकाल लिया। अब यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर दोनों के एरिया का जो सम है 468 है, मतलब एरिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 468, एक तो ये रिलेशन हमें दे रखा है। दूसरा रिलेशन ये है कि दोनों के पैरामीटर का डिफरेंस, अब हम नहीं जानते कौन से वाला जो पैरामीटर है वो बड़ा है, हम अगर मैं किसी को बड़ा मान लो, वैसे डायग्राम के अकॉर्डिंग ये वाला बड़ा है, तो मैं इस वाले को कंसिडर करूं तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 24, मैंने ये दोनों के पैरामीटर का डिफरेंस ले लिया। आप यहां पर 4y माइनस 4x भी कर सकते हैं, सिमिलर आंसर आएगा। एक ये रिलेशन, एक ये रिलेशन, दोनों के पैरामीटर का तो डिफरेंस हो गया, और ये वाला जो है यहां पर मैं इसको लार्जर लिख देता हूं क्योंकि इसी के बेसिस पे मैंने क्वेश्चन को किया है। तो अगर मैं 4 यहां से कॉमन लिया, 4 से इसको कट कर दूं, पूरे को डिवाइड कर देता हूं, तो डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड करते ये बनेगा x माइनस y इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 प्लस y, तो इस वाले में हम कह सकते हैं ये 6 प्लस y हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस वाले को लार्जर करके बताऊं तो ये वाले भी लार्जर हो जाएगा, इस वाले को लार्जर कंसिडर करता हूं तो यहां से हो जाएगा 4y माइनस 4x इक्वल टू 24, तो भी कोई इशू नहीं है। 4 से अगर अब डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 4, तो ये हमारा हो जाएगा
y माइनस एक्स इक्वल टू 24, तो y की वैल्यू यहां से निकल, सॉरी इसको 24 नहीं 6 होना पड़ेगा, 6 प्लस एक्स, तो ये आपकी y की वैल्यू हो जाएगी जो हम इसमें इजिली सब्सिट्यूट कर सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 468। ये मैंने क्या किया इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, सब्सटीट्यूट इन 1। देखो अब यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 468 है, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 12x और ये इधर आएगा तो माइनस का 432 इक्वल टू 0। मैं अगर इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 216 इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग हम फैक्टर बना सकते हैं और फैक्टर बनाने के बाद हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, दोनों की साइड हमें फाइंड करनी थी, फाइंड द साइड ऑफ बोथ स्क्वायर, तो वो आंसर हमारा हो जाएगा। थैंक यू।